In this video, we are going to implement account sub controls. Means accounts control में जब हम further accounts को add करेंगे तो उसके लिए यहाँ पर ये list जो है आपको show रहे हैं, इसको हम implement करेंगे इस current video में. For more videos, for more projects, go to the YouTube channel Ilyasov Software Companies. And यहाँ पर आपको मिलेगा ERP Enterprise Resource Planning for Business. ये जो प्रीवियस अपलोडेड वीडियो आपको मिलेंगे यहाँ पर. और फॉर मोर वीडियोस आपको इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड आल्सो क्लिक ऑन दिस बेल बटन. सो चलते हैं इंप्लीमेंट करते हैं इस अकाउंट्स ऑफ कंट्रोल इस लिस्ट को. क्लिक ऑन सॉल्यूशन एक्सप्लोरर और यहाँ पर अब हम अकाउंट कंट्रोल्स को ऐड करेंगे. तो चलिए इस पर क्लिक कीजिए और बिलो यहाँ पर ये एडिट वगैरह यहाँ पर बिल्कुल नीचे हमें जो है यहाँ पर जो लिस्ट का अकाउंट हेड का जो मेथड था उसको हमें उसको कॉपी कीजिए और उसके बाद स्क्रॉल डाउन और नीचे यहाँ पर इसको पेस्ट कीजिए. सो ये हमारे पास यहाँ पर पेस्ट हो चुका है. अब यहाँ पर हमें लिखना है ये अकाउंट कंट्रोल्स हमने ऐड किया है. अच्छा, अब यहाँ पर ऑल अकाउंट सब कंट्रोल्स, ठीक है. अब सब कंट्रोल्स के लिए हमारे पास जो व्यू है जो मॉडल व्यू है उस पर हमें जाना है और यहाँ से उसमें एक फील्ड या दो फील्ड जो है उसमें ज़्यादा होंगे और वो हमारे पास है अकाउंट कंट्रोल्स, अकाउंट हेड आईडी. ये हमारे पास कंट्रोल है. अच्छा, हमें सब कंट्रोल में जाना है, ठीक है. तो सब कंट्रोल हमारे पास जो है वो ये है. तो चलिए इसको कॉपी कीजिए. फर्स्ट चेंज द नेम. सो नाउ अब इसको भी ख़त्म करें क्रिएट और यहाँ पर इसको चेंज कर दे इसका नाम. सॉरी, यहाँ पर इसका नाम जो है वो चेंज कर दें और यहाँ पर भी उसको चेंज करें और फिर यहाँ पर डॉट टी बी एल अकाउंट सब कंट्रोल और ये टी बी एल सब कंट्रोल है यहाँ पर अकाउंटों सब कंट्रोल्स लिस्ट. एंड देन लास्ट में अब हमें करना है यहाँ पर ए टी बी एल अकाउंट सब कंट्रोल है, इसके बाद ब्रांच और अकाउंट आई डी डॉट लिस्ट. ओके, एंड देन कॉपी दिस एंड प्लेस हियर रिप्लेस एंड देन ये हमारे पास है अकाउंट सब. बस चलिए अकाउंट को बस उसके नाम पे सही है, बाकी अकाउंट सब कंट्रोल के उसको चेंज कर दे इस नाम को और इस इन सब को भी चेंज करें और यहाँ पर ऐड हो जाएगा. अब यहाँ पर ये अकाउंट कंट्रोल नाम जो है अब इसमें इशू आ रहा है. सो ये अकाउंट कंट्रोल नाम है, चलिए इसको चेक करते हैं. अकाउंट कंट्रोल है, ठीक है, ये नेम जो है इसके साथ नहीं है और यहाँ पर भी अकाउंट डॉट डॉट टी बी एल अकाउंट कंट्रोल डॉट और फिर यहाँ पर जो नेम है वो यहाँ पर हम सेट करेंगे इसको सिस्टम अकाउंट कंट्रोल नेम, ठीक है. और ये यूजर आईडी ये क्रिएटेड बाय सो अकाउंट कंट्रोल अकाउंट हेड अकाउंट कंट्रोल आईडी. ओके, यहाँ पर स्टार्ट में जो है अकाउंट सब कंट्रोल डॉट अकाउंट सब कंट्रोल इज इक्वल टू अकाउंट डॉट अकाउंट सब कंट्रोल, सही. नाउ सेव द चेंजेस. तो ये हमारे पास जो है वो लिस्ट कंप्लीट हो गया है. एक और चीज भी इसमें कमी है, चलिए इसको भी यहाँ पर सेट करते हैं. फर्स्ट अकाउंट सब कंट्रोल, जो अकाउंट सब कंट्रोल का नाम है वो यहाँ पर हमने सेट नहीं किया. सो अकाउंट सब कंट्रोल इज इक्वल टू अकाउंट डॉट और यहाँ पर जो नेम है वो यहाँ पर हम असाइन कर देंगे. तो ये हमारे पास जो है लिस्ट कंप्लीट हो चुका है. जिस जो एक्शन मेथड है जिसके साथ हम लिंक करेंगे वो व्यू जिसमें हम लिस्ट ऑफ अकाउंट सब कंट्रोल शो करेंगे. तो चलिए उसके लिए अब हम जो है वो व्यू क्रिएट कर दें क्योंकि जो है वो एक्शन जो है वो कंप्लीट हो चुका है. सो नाउ राइट क्लिक करें एंड ऐड द व्यू और अब हमें व्यू में क्या करना है यहाँ पर अब हम इससे लिस्ट को जो है उसको क्रिएट कर रहे हैं. सो नाउ यहाँ पर मॉडल क्लासेस में हम क्या कर रहे हैं टी बी एल अकाउंट सब कंट्रोल एंड नाउ ऐड करें इसको और यहाँ से जो नाम है अकाउंट सब कंट्रोल एम बी अब इसमें हम जो है उसको रिप्लेस करेंगे जो व्यू क्रिएट हो जाएगी आफ्टर कंप्लीटिंग दिस स्कैफोल्डिंग प्रोसेस. सो हम उसको चेंज करेंगे. सो यहाँ पर अब हम स्पेस लगा दिए यहाँ पर ई आर पी चलिए नाम को मैं यहाँ पर सेट कर देता हूँ ई आर पी अब रिट्रीव हो जाएगा.
ठीक है, सुनाओ ईआरपी, क्योंकि ये लोड हो गया। अब देखो यहाँ पर नेम वगैरह वगैरह सब कुछ खत्म हो चुका है। सुनाओ डॉटम और मॉडल्स और फिर उसके बाद डॉटम और ये हमारे पास जो अकाउंट सब कंट्रोल एम भी। सुनाओ रिमूव दिस वन एंड देन नेक्स्ट हमें अब क्या करना है, ये कंपनी वगैरह उसको खत्म कीजिए कि कौन सा कंपनी है। बस अकाउंट सब कंट्रोल नेम हमारे पास, फिर कंट्रोल, उसके बाद अकाउंट हेड। तो अब हमें क्या करना है यहाँ पर, ये तो सही है लेकिन यहाँ पर अब हमें अकाउंट कंट्रोल ये नेम जो है उसको हमें ख़त्म करना है और ये हमारे पास अकाउंट हेड है तो चलिए इसको भी ख़त्म कर दें। और UTBL ब्रांच फुल नेम जिसने क्रिएट किया है वो हमारे पास सही है एंड देन ये कौन सा ब्रांच है इसको भी ख़त्म करें। और ये अकाउंट हेड जो है डॉटम अकाउंट हेड, इसका हेड कौन सा है, ये सब कंट्रोल का नाम क्या है, फिर उसके बाद जो है वो उस किस कंट्रोल में है और इसके बाद उसकी हेड। लेकिन हमें इसको तरतीब में रखना है तो हमें कैसे इसको रखना है, कंट्रोल एक्स कर दे इसको और यहाँ पर हेड को पहले रख दे, फिर उसके बाद जो है कंट्रोल जो है उसको तरतीब में रखे कि पहले हेड एसेट है, एसेट में कैश और कैश में कैश इन द बैंक है। समझ आइए आप, तो इसी तरीके से हम इसको जो है रखेंगे। और यहाँ पर जो है क्रिएटेड बाय क्या किसने इसको क्रिएट किया, सो नाउ डॉट क्रिएटेड बाय और इसको रिमूव कर दें एंड नाउ सेव द चेंजेस। अब इसके बाद हमें यहाँ पर जो है पहले हम जो है हम अकाउंट हेड को रखेंगे, सो नाउ डॉट अकाउंट हेड एंड सेकंड वन इज अकाउंट कंट्रोल डॉट अकाउंट सॉरी अकाउंट कंट्रोल एंड देन दिस वन इज अकाउंट सब कंट्रोल। सो ये हमारे पास कंप्लीट हो गया है, चलिए अब इसको ख़त्म करें और यहाँ से जो है जो क्रिएटेड बाय जो है उसको यहाँ पर ऐड कीजिए। सो नाउ इसको भी रिमूव कर दें डॉट क्रिएटेड बाय। अच्छा अब हमें इसको स्क्रोल अप करें, राइट क्लिक करें इसको और गो टू व्यू और उसके बाद यहाँ इसको कॉपी कीजिए टी हेड तक एंड देन अकाउंट सब कंट्रोल और यहाँ पर इसको पेस्ट कीजिए यहाँ पर। बस अब अकाउंट सब कंट्रोल न्यू अकाउंट क्रिएट अकाउंट सब कंट्रोल और बीटीएन प्राइमरी ओके एंड देन यहाँ पर अब हमें ऐड करना है स्लैश टी हेड और उसके बाद जो है स्लैश टी बॉडी की बॉडी हम ऐड करेंगे और उसके बाद यहाँ इसको ख़त्म करें यहाँ से। और अब हमें दोबारा जाने अकाउंट कंट्रोल्स में और यहाँ से जो है वो डिज़ाइन हमें नीचे यहाँ से कॉपी करने है। सो नाउ कॉपी एंड पेस्ट हियर और ये एडिट अकाउंट सब कंट्रोल, बाकी यहाँ पर आईडी है। सो नाउ यहाँ पर डॉट अकाउंट सब कंट्रोल आईडी। सो ये हमारे पास जो है लिस्ट कंप्लीट हो गया है कि अब हम यहाँ पर जो है अकाउंट सब कंट्रोल जो है यहाँ पर कैसे शो होंगे। अच्छा एक और इशू भी जो हमारे पास यहाँ पर आ सकते हैं वो क्या है कि अगर एक सब कंट्रोल नहीं अगर एक अकाउंट में तो उसमें चलिए बस यहाँ पर सिर्फ सब अकाउंट कंट्रोल होंगे, वो लिस्ट हमने पहले जो बनाया उसमें सिर्फ कंट्रोल्स होंगे और उसके जो ऊपर जो है वो हेड है वो तो ऑलरेडी जो है वो एडमिन को शो होता है सो वो भी सही है। सो अकाउंट सब कंट्रोल का जो लिस्ट है वो हमने यहाँ पर बनाया लेकिन यहाँ पर एक एक्सेप्शन जनरेट हो सकता है और ड्यूरिंग द अगर अकाउंट सब कंट्रोल नाम नहीं है यहाँ पर तो फिर क्या होगा, हमें यहाँ पर क्या करना है इफ अगर अकाउंट डॉट TBL यहाँ पर अकाउंट सब कंट्रोल नहीं है ओके डॉट या अगर अकाउंट इज इक्वल टू ये सब कंट्रोल, चलिए बस सही है अगर हमने यहाँ पर हेड या कंट्रोल लिखा हुआ लिखा था ना तो फिर जो है यहाँ पर हमें ये कंडीशन की ज़रूरत पड़ेगी फिर, लेकिन यहाँ पर वो है नहीं तो फिर इस कंडीशन की भी ज़रूरत नहीं है। चलिए इसको रिमूव कर दें और ये लिस्ट हमारे पास ऑलरेडी बन चुका है। सो नाउ कॉपी द नेम ऑफ दिस लिस्ट एंड गो टू द लेआउट पेज और पहले इसको सेट करते हैं। सो नाउ गो टू द लेआउट, क्लिक ऑन द लेआउट एंड देन स्क्रॉल डाउन और अब 1 2 1 2 और इस अप टू, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये अकाउंट कंट्रोल्स हो गया ब्रांच अकाउंट सेटिंग, तो चलिए इसको यहाँ पर इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ
और चलिए इसको कॉपी करते हैं, फिर कंट्रोल जेड और यहाँ पर इसको पेस्ट कीजिए। एक और ऑल अकाउंट सब कंट्रोल्स और ये ऑल अकाउंट कंट्रोल्स, ऑल अकाउंट सब कंट्रोल्स। नाउ सेव द चेंजेस और अब हम चलिए इसको एक बार चेक करते हैं कि ये मतलब हो चुका है कि नहीं। फिर उसके बाद हम इसको क्रिएट करते हैं न्यू अकाउंट कंट्रोल, जो है सब कंट्रोल्स को क्रिएट कर दे, फिर इसको एडिट करेंगे। सो नाउ लॉग इन, सो नाउ क्लिक ऑन द अकाउंट और इसके बाद जो है अकाउंट कंट्रोल्स, ये दोनों अकाउंट कंट्रोल्स के नाम से। चलिए फिर इसको चेंज कर दें, अकाउंट कंट्रोल जो है ये अकाउंट सब कंट्रोल, ये अकाउंट सब कंट्रोल्स, अकाउंट्स सब कंट्रोल्स, अकाउंट सब कंट्रोल्स, ठीक है। नाउ सेव द चेंजेस एंड देन रीलोड। तो यहाँ पर अब ये नाम जो है ये हमारे पास यहाँ पर चेंज हो जाएंगे। सो नाउ यहाँ पर अब हमें अकाउंट ऑफ अकाउंट में यहाँ पर जो है अकाउंट सब कंट्रोल्स, तो अकाउंट सब कंट्रोल जो व्यू है वो ऑलरेडी। सो नाउ अब ये कंप्यूटर हो जाएगा। अब इसके बाद हम चलते हैं और न्यू वीडियो में इस न्यू अकाउंट को इम्प्लीमेंट करते हैं कि न्यू सब कंट्रोल को हम कैसे ऐड करेंगे।